धन्यवाद भाई सर। सबसे पहले हमारे मंच पे आसन दुबे सर मिश्रा जी, संत समाज महिला उत्थान संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष उमेश तिवारी जी, हमारे बड़े भाई सुशील सिंह जी और सर काफी ही सुंदर तरीके से स्वामी दयानंद संसद विद्यालय इतना सुंदर तरीके से ये विद्यालय विकास के पथ पर अग्रसर है, जिस दर बन प्रफुल्लित होता है। शंभु मौर्य साहब ने इतना बढ़िया मन संचालन इतने सुंदर तरीके से, इनको देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि इनकी उम्र 40 पार कर गई, हमें तो लगता है कि 40 वर्ष के अंदर है। इतने सुंदर तरीके से, इतने जज्बे के साथ, इतनी दिलेरी के साथ अपनी बातों को आप लोगों के बीच रखते हैं, मन खुश हो जाता है। शेरों शायरी से भरपूर रंगीन मंच बना देते हैं। संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो इस विद्यालय में कुट कुट के भरा हुआ है। आप तमाम जितने भी अभिभावक आए हैं, आप सभी को हाथ जोड़कर मैं नमन करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने इस विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाई है और अपने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य के लिए इस विद्यालय में भेजा है, सराहनीय भूमिका है आपकी। धन्यवाद मैं देना चाहूंगा विद्यालय के डायरेक्टर महेश जी को। और खूब सुंदर मुझे तब लगा जब इस विद्यालय में दीप प्रज्वलन दीप को प्रज्वलित किया जा रहा था, और वो भी महेश जी के पिताजी के हाथ में। इतना सुंदर, इतना रमणीय लग रहा था, दिल खुश हो गया। इसे कहते हैं संस्कार। बाहर से लोगों को बुला के दीप प्रज्वलित करना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ा संस्कार का मैसेज है कि आपके माँ बाप सर्वोपरि है, उनसे बड़ा और कोई नहीं है। इसलिए सबसे पहले माँ बाप का जगह लीजिए, निश्चित रास्ता का विकास होगा। बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही संस्कार पूर्वक इस विद्यालय में जो भी परंपराएं चल रही है काफी ही सुंदर तरीके से बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको सर लोगों का आदेश हुआ तो मैंने इन लोगों का आदेश का पालन करूंगा, क्योंकि हमारे मित्र हैं महेश जी, मैं तो शुरू से इनको देखते आ रहा हूँ। काफी ही सुंदर तरीके से विद्यालय के एक एक बिंदुओं पर प्रकाश डाला, हमारे बच्चों की पढ़ाई में कहां कमी रह गई है, कैसे इसमें और क्या शिक्षा डाले, इसमें कंप्यूटर लाए, इंग्लिश के अच्छे टीचर लाए, कहां से क्या व्यवस्था करें, कैसे ग्राउंड बड़ा हो, कैसे इन लोगों का अपना भवन हो, हर चीज पे लगातार दिन रात प्रयासरत लगभग 10-15 दिनों से इस विद्यालय के 21वें वर्षगांठ मनाने की तैयारी में जबरदस्त लगे हुए हैं। और इनके साथ जितने भी इनके यहाँ के शिक्षक है, जितने फैकल्टी है, सारे लोग लगे हुए हैं। दिन रात एक करने के बाद आज इस सुनहरे पल को देखने को मौका मिला है, लेकिन काफी दिनों से ये लोग प्रयासरत है काफी सुंदर तरीके से, और लगातार इनकी अपेक्षा रहती है, अपेक्षा ही नहीं बल्कि लगातार ही कार्यरत रहते हैं कि हमारा विद्यालय आगे बढ़े। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह विद्यालय अपने आप में एक अनोखा है। ये विद्यालय अपने बारे में नहीं, अपने बच्चों के बारे में सोचता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं देखते आ रहा हूं, क्योंकि लगातार लगभग 4-5 साल से मैं आ रहा हूं, और जब भी मैं आता हूं कुछ न कुछ नया अचीवमेंट मिलता हूं, बच्चों का विकास देखता हूं। और जब सर्वांगीण विकास होता है बच्चों में तो निश्चित तौर से वो स्कूल उज्ज्वल भविष्य का होता है और बहुत ही अच्छा स्कूल होता है। तो सारे लोग जितने भी आगंतुक अतिथि हैं सब लोगों का मेरा नमन है, और जितने भी बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे थे नाटक के रूप में, ये जुबान के रूप में इतना सुंदर तरीके से काफी मार्मिक लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और निश्चित तौर से विद्यालय बहुत आगे जाएगा। और आप जितने भी दर्शवन है, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, बहुत सारी शिक्षा है जो आपको इन बच्चों को घर में देना होता है, बहुत सारी शिक्षा है जो घर में देना होता है, वो शिक्षा संस्कार और अनुशासन का होता है, वो चीज आपको देना होता है। निश्चित तौर से यदि आप अपने बच्चों पर ध्यान देंगे, ज्यादा नहीं, यदि 2 घंटा भी पढ़ के अपने बच्चों पर ध्यान देंगे तो वो बच्चा नंबर 1 मिलेगा, विद्यालय में भी टॉप करेगा और समाज में भी टॉप करेगा। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए, चूंकि तमाम अतिथि बैठे हुए हैं और आप लोगों ने इतना देर तक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अपनी बातों को विराम दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को अपने साथ लेना चाहता हूं। मैं एक घोष करना चाहता हूं मन से, मैं चाहूंगा कि आप तमाम मेरे साथ हो। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, वंदे। थैंक यू।
आपको।